हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोविंदा राव फ्रॉम SREP। और लास्ट वीडियो में हमने पॉलिनोमियल में ये सीखा था बच्चों कि आप जीरोस को कैसे फाइंड करते हैं और जीरोस का कोफिशिएंट के साथ रिलेशन क्या होता है, जो हमने 2.2 में किया था। ठीक है, आज उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो पहले एक छोटा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको काफ़ी क्वेश्चन करने में हेल्प मिलेगी, जो जीरोस पे ही बेस्ड रहेगा, रिलेशनशिप पे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है हमें कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो। अगर इस वाली इक्वेशन के जीरोस है हमारे अल्फा एंड बीटा, देन फाइंड फर्स्ट पार्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सेकेंड पार्ट 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, थर्ड पार्ट हमारे पास 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर, फोर्थ पार्ट आपका अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, फिफ्थ पार्ट अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। इस तरीके से आपके और भी पार्ट्स बन जाते हैं। एक तो अल्फा माइनस बीटा आ जाता है, एक हमारे पास ऐसे ही अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, एक आपका पार्ट ऐसा बन जाता है कि अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करो। ठीक है ना, और आपके इस तरीके से और भी पार्ट बन सकते हैं, जैसे कि 1 बाई अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1 बाई अल्फा बीटा का स्क्वायर, ये हो गया एक पार्ट आपका। क्लियर है, और एक और ले लेते हैं अल्फा बाई बीटा स्क्वायर प्लस बीटा बाई अल्फा स्क्वायर। ठीक है ना, इनको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग। आपको इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो। यहां पे मैंने आपको रिलेशनशिप बताया था, क्या था वो, कि अगर इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, ये हमारा रिलेशनशिप होता था। ठीक है ना, तो वो अगर हम इसमें अप्लाई करेंगे तो आपका अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, माइनस ऑफ माइनस पी अपॉन में वन इज इक्वल टू पी, और अल्फा इंटू बीटा आएगा इज इक्वल टू क्यू बाई वन इज इक्वल टू क्यू। हमें अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता लग गई। अब फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आपको पता है कि अल्फा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग इसका यूज करेंगे, ए और बी की जगह पे क्या करेंगे, अल्फा बीटा लिख देंगे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी है पी, तो पी स्क्वायर माइनस का 2α इंटू बीटा की वैल्यू है क्यू। तो ये हमारा आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपका एक आंसर आ गया। अब सेकेंड पार्ट में देखो क्या दे रखा है। सेकेंड पार्ट में बोला है कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा फाइंड करो। इसका एलसीएम लोगे तो आएगा बीटा प्लस अल्फा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। अब बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू हमें पता है कितनी है पी, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है क्यू। ये पी बाई क्यू इसका आंसर आ गया, सिंपल है बहुत। थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड क्या आएगा, थर्ड है हमारा 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर। यह आएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन में अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड कर रखी है, कितनी थी, पी स्क्वायर माइनस का 2q और होल अपॉन में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है हमारी क्यू। तो यह आ गया क्यू का होल स्क्वायर। ये आपके पास थर्ड का आंसर आ गया। ठीक है ना, उसके बाद देखो इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है आपको, फोर्थ में दे रखा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपको फाइंड करना है। ठीक है, इसमें हम किसका यूज करेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या पढ़ा है हमने,
क्यू होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab और a प्लस बी, ये पढ़ा है। अगर यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा ना। तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, ये माइनस हो जाएगा तो माइनस का 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। कोई नया फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला आपकी पुरानी है, बस वो यूज करना आपको आना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, अल्फा प्लस बीटा आएगा पी, तो पी का क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा हो गया क्यूब इंटू में अल्फा प्लस बीटा हो गया पी, तो आ गया आपका पी क्यूब माइनस का 3 पी क्यूब, ठीक है ना। ये आपके पास इसका आंसर आ गया, क्लियर है। फिफ्थ पार्ट आएगा हमारा अल्फा बाय बीटा प्लस का बीटा बाय अल्फा, इसको एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारी थी पी स्क्वायर माइनस का आर टू क्यू अपॉन में अल्फा इंटू बीटा हमारे पास आएगा क्यू, तो ये इसका आंसर आ गया, क्लियर है। फिफ्थ के बाद आपका सिक्स पार्ट आएगा अल्फा माइनस बीटा, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा। देखो ये कैसे फाइंड होगा, आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, और अगर मैं इसमें माइनस कर दूं ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो देखो क्या आंसर आता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है ना। ये हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, फिर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 4ab। तो ये रिलेशन होता है कि अगर इनका स्क्वायर का सम हम माइनस करते हैं तो ये इक्वल टू आ जाता है 4ab के। तो यही रिजल्ट हम लोग यूज करेंगे अल्फा और बीटा में। तो देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 4α β, है ना, 4α β। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी आएगी पी, पी स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू 4, अल्फा इंटू बीटा आएगा क्यू, तो आ गया आपका ये इधर आ गया पी स्क्वायर माइनस 4q, ये उधर गया तो आ गया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये इधर आएगा तो आएगा रूट में पी स्क्वायर माइनस 4q इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, क्लियर है। आप चाहो तो यहाँ पे प्लस माइनस भी लगा सकते हो क्योंकि स्क्वायर रूट उधर गया है ना, तो ये आपके पास अल्फा माइनस बीटा का आंसर भी आ गया, क्लियर है। सिक्स्थ पार्ट है, सिक्स्थ हो गया। सेवन्थ पार्ट है हमारा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो सेवन्थ में अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को क्या लिखोगे, अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आई थी हमारी, ये रूट में पी स्क्वायर माइनस 4q और इंटू में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारी पी, यहाँ पे आ गया पी, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस माइनस लगा सकते हैं, ये आपका आ गया सेवन्थ पार्ट। एट्थ पार्ट हमारा देखो सिंपल है, इतना समझ में आ रहा है ना आपको, मैं यहाँ से थोड़ा रफ कर देता हूँ। आपका एट्थ पार्ट कराना था, वो आएगा हमारा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, अल्फा बीटा कॉमन लेंगे तो आएगा अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया क्यू और इसकी वैल्यू थी पी, क्लियर है। फिर नाइन्थ पार्ट है हमारा 1α² β प्लस 1α β² 1α β कॉमन लूंगा तो आएगा 1β प्लस 1α, या फिर इसका एलसीएम ले लेते डायरेक्ट तो भी वही बात आती, यहाँ पे आ गया अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पी थी और इसकी वैल्यू क्यू थी, तो क्यू का स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका टेंथ पार्ट है अल्फा बाई बीटा स्क्वायर, अल्फा बाई बीटा स्क्वायर प्लस बीटा बाई अल्फा स्क्वायर, तो आ गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब डिवाइड बाई अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू हमने फाइंड करी है, वह हैगी पी क्यूब माइनस का 3pq और होल अपॉन में ये अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका टेंथ पार्ट भी हो गया। तो एक तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे जो आपके एट्थ पार्ट है, उसमें से कोई एक या दो पार्ट ही आएगा आपके एक या दो नंबर के क्वेश्चन में, तो ये हमें आना चाहिए, ठीक है। इसको कॉपी कर लो, फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाँ भाई, तो कर लिया कॉपी, अब इससे अगला क्वेश्चन एक देखते हैं, वो भी थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराते हैं, थोड़ा अच्छा होगा, उससे काफी क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। इसी क्वेश्चन से रिलेट कर देते हैं उसको। इसने बोला है कि इफ द अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल
देन फाइंड द क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हूज जीरोस आर जिसके जीरोस हैं, फर्स्ट पार्ट में मैंने लिख लिया अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, और सेकंड पार्ट में हम ले लेते हैं 1/2 alpha + 1 एंड 1/2 beta + 1। मतलब हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोस अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो, या फिर ये इसके जीरोस हो, ठीक है ना। सेकंड पार्ट में इसके जीरोस ये बन जाएंगे, तो और अल्फा बीटा हमारे इस वाले पॉलिनोमियल के जीरो हैं, तो हम क्या काम करेंगे, वही रिलेशनशिप से अल्फा प्लस बीटा अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे। और मैंने आपको इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला बताया था, एक बार लिखवा देता हूँ। इक्वेशन फाइंड करने का हमारा फॉर्मूला होता था fx इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ जीरोस प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हमारा इसका छोटा सा फॉर्मूला होता है, तो ये हमें अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन में हमें इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से सम ऑफ जीरोस आ गया p, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया इज इक्वल टू q, है ना। अब आपको फर्स्ट पार्ट के लिए पहले सम निकालना होगा, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वो हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 alpha beta, ये हो गया आपके पास पी स्क्वायर माइनस का 2q, ठीक है। फिर प्रोडक्ट निकालेंगे, वो आएगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, आ गया। अब आपको बस उस इक्वेशन में पुट करना है कि आपका पॉलिनोमियल क्या हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यहाँ के तो हमारे स्मॉल के ही रहता है, स्केलर कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है। एक्स स्क्वायर माइनस सम की जगह पे लिखेंगे पी स्क्वायर माइनस का 2q एक्स, और पी की यहाँ पे प्रोडक्ट की जगह पे लिखेंगे क्यू स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अगर आपको सेकंड पार्ट करना है तो सेकंड पार्ट में भी इसी तरीके से सम निकालना होगा, तो इसके दो जीरोस दे रखे हैं ये हमें, तो यह आएगा 1/2 alpha + 1 1/2 beta + 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 beta + 1 प्लस का 2 alpha + 1 होल अपॉन में 2 alpha + 1 और 2 beta + 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो क्या आएगा, 2 कॉमन लूंगा, ऊपर क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस का 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे आएगा 4 alpha beta प्लस का 2 alpha + 2 beta + 1, तो आ गया 2 alpha + beta + 2 अपॉन में 4 alpha beta + 2 alpha + beta + 1। अब देखिए 2 प्लस का अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी थी आप पी, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग पी प्लस का 2 अपॉन में 4 इंटू में क्यू प्लस का 2p + 1, ये हमारा आ गया सम ऑफ रूट्स। अब प्रोडक्ट निकालेंगे तो आएगा 1/2 alpha + 1 इंटू 1/2 beta + 1, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 4 alpha beta + 2 alpha + 2 beta + 1, तो ये आ गया 1/4 अल्फा बीटा की वैल्यू हो गई पी, क्यू है अल्फा बीटा की वैल्यू, यहाँ से 2 को मिलूंगा तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई हमारी पी प्लस 1। अब ये वैल्यू उठा के अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे जो कि हमारा फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम की जगह पे क्या लिखेंगे ये वाली वैल्यू, तो यहाँ पे आएगा 2p + 2 होल 4q + 2p + 1, x प्लस प्रोडक्ट लिखेंगे उसके बाद 1/4q + 2p + 1, ये आपके पास इसका आंसर आ गया, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग कॉपी कर लीजिए, फिर करते हैं आगे का काम, ठीक है बच्चों। अब हमें स्टार्ट करता है कि दो पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड करते हैं। इससे पहले आपने सिंपल डिवीजन किया होगा कि जैसे 35 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है। अब आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है कि कैसे पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। वैसे आपने 9th क्लास में भी सीखा होगा, ऐसे एक बार समझते हैं ऐसे आराम से, ठीक है। देखिए सपोज करो क्वेश्चन में बोला है कि डिवाइड 2x² + 3x + 1 / x + 2। ये क्वेश्चन हमें छोटा सा गिवन है कि आपको इसमें डिवाइड करना है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि इसको इससे डिवाइड करना, मतलब इसको अंदर लिखना है डिवाइड में, इसको बाहर लिखना है ना। अब दूसरा हम क्या देखते हैं कि हमारा जो पॉलिनोमियल है
वो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए पॉलिनोमियल, मतलब सबसे बड़ी पावर सबसे पहले होनी चाहिए, उसके बाद उससे छोटी पावर, उसके बाद कॉन्स्टेंट, हमारा ये फॉर्मेट होना चाहिए, उसके बाद हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेम फॉर्मेट में, पहले एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर कॉन्स्टेंट है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2x² प्लस का 3x प्लस 1 लिख दिया, यहाँ पे x प्लस का 2 लिख दिया, ठीक है। अब देखो इसको कैसे पता लगता है कि कितने टाइम्स चलना है, यहाँ पे आप अपना पॉलीनोमियल उठाओ, यहाँ पे क्या आएगा x, यहाँ पे क्या आएगा 2x² अब 2x² को x से अगर आप डिवाइड करते हैं तो क्या बचेगा हमारा 2x, इसका मतलब मेरे को सबसे पहले 2x टाइम्स चलना है इसको, ठीक है ना। फिर इस क्या करेंगे, इस 2x की इन दोनों से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2x की अगर मैं x से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 2 आएगा 2x² और इस 2x की मल्टीप्लाई 2 से कराऊंगा तो आएगा 4x। फिर यहाँ पे अगर ये प्लस का है तो यहाँ पे आएगा साइन माइनस का, ये प्लस का है तो यहाँ पे साइन आएगा माइनस का, साइन हम लोग चेंज करते हैं, अगर माइनस होता तो प्लस का आता। 2x² में से 2x² हमारा कैंसिल आउट हो गया, 3-4, हम इसको प्लस को देखेंगे, इसको माइनस को देखेंगे, 3-4 कितना हो गया, माइनस एक्स प्लस का 1, क्लियर है। अभी देखो यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, दोनों की अभी भी पावर सेम है, मतलब अगर यहाँ पे पावर ज्यादा बच रही है या फिर सेम बच रही है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, अगर इससे कम आ जाएगा तब आपको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। अब x को माइनस एक्स बनाना है ना, मतलब माइनस एक्स को अगर मैं x से डिवाइड करूंगा, इसको अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है माइनस वन, इसका मतलब आपको इसे माइनस वन टाइम्स चलना पड़ेगा। अब माइनस वन की मल्टीप्लाई x से करूंगा तो आएगा माइनस एक्स, इसके 2 से करूंगा तो आएगा माइनस 2, फिर माइनस है तो हो जाएगा साइन प्लस, यहाँ भी प्लस, इससे कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस का 2 कितना आ गया 3 आ गया, क्लियर है। तो शायद आपको सही में आया होगा, और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट ताकि हमारा और अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। ये आपका बुक सही में करा रहा हूँ, एग्जाम्पल 6 अभी मैंने कराया है, अब हमारा आता है एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें बोला है कि डिवाइड करना है आपको, डिवाइड 3x³ प्लस x² प्लस का 2x प्लस का 5 बाई 1 प्लस 2x प्लस x², ठीक है ना, ये हमें करना है डिवाइड। तो इसमें देखो आपको जो दे रखा है ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है, बड़ी पावर छोटी पावर से छोटी पावर, इसको हमें रीअरेंज करना पड़ेगा डिवाइड करने के लिए। तो लिखते हैं इसको, यह आ गया 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस का 5, यहाँ पे पहले x² लिखेंगे, फिर 2x और फिर 1 लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसको डिवाइड स्टार्ट करते हैं, देखो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 3x³ और यहाँ पे x², तो अगर हम लोग 3x³ को x² से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3x, इसका मतलब सबसे पहले मुझे 3x टाइम्स चलना पड़ेगा। अब 3x की मल्टीप्लाई इन तीनों से करेंगे तो आएगा हमारा 3x³ प्लस का 6x² प्लस का 3x, और ये भी ध्यान रखना कि सेम पावर के नीचे सेम पावर वाली वैल्यू लिखी जाती है। अब ये माइनस साइन आ गया, इससे कट गया, 1-6 इज माइनस का 5x², 2-3 इज माइनस का x प्लस का 5। अब x² से मुझे क्या बनाना है, -5x². अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किससे करेंगे हम लोग, माइनस 5 से, तो हो जाएगा माइनस का 5x² माइनस 10x और माइनस का 5, तो आपके पास आ गया प्लस प्लस और प्लस, इससे कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 1 प्लस का 10 9x आ गया, और ये हो गया 5 + 5 = 10, तो ये हमारा डिवीजन आ गया, क्लियर है। इतनी बात समझ में आ रही है, एक और देख लेते हैं डिवाइड हम। क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 8 था वैसे, कि डिवाइड 3x² माइनस x³ माइनस 3x प्लस 5 बाई x माइनस 1 माइनस x² एंड वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है ना, वेरीफाई करना है आपको डिवीजन एल्गोरिथम। इतनी बात समझ में आ रही है, तो देखिए
पहले इसको डिवाइड करते हैं, उसके बाद समझते हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है। ठीक है, तो डिवीजन करने के लिए हम लोग सीक्वेंस का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे जब लिखना है तो इसको लिख रहा हूँ तो मैं बड़ी पावर पहले लिखूंगा, माइनस का एक्स स्क्वायर है तो लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, फिर लिखेंगे प्लस एक्स, फिर माइनस का वन। क्लियर है? इसको लिखेंगे तो पहले लिखेंगे माइनस एक्स क्यूब, फिर लिखेंगे प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव। ये हमने इसको अपनी सीक्वेंस पे लिख लिया। अब इसको डिवाइड करते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स क्यूब बनाने के लिए हमें चलना होगा x, तो आएगा हमारा माइनस एक्स क्यूब और प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, हमने इसमें x से मल्टीप्लाई करा, ये आ गया प्लस माइनस प्लस, इससे कैंसिल आउट हो गया। 3 माइनस वन इज टू एक्स स्क्वायर, माइनस थ्री प्लस वन इज माइनस टू एक्स प्लस का फाइव। अब इसको माइनस एक्स स्क्वायर को प्लस टू एक्स स्क्वायर बनाने के लिए माइनस टू से करेंगे तो हमारा ये आएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स और प्लस का टू, ये हो गया माइनस प्लस माइनस, तो इनसे ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है। यहाँ आपका कितना आ गया, थ्री आ गया। ठीक है ना, डिवीजन में आपका कितना आ गया, थ्री आ गया। अब देखो यहाँ पे ये होता क्या है डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम हमारा होता है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू में क्वोशेंट प्लस का रिमाइंडर। ठीक है ना, ये होता हमारा आपका डिवीजन एल्गोरिथम, आपको पहले ही पता होगा। तो क्वेश्चन में आपके ये सारी चीजें क्या क्या होती हैं, देखो ये हमारा पार्ट जो ये वाला होता है, ये तो हमारा होता है डिविडेंड। ठीक है ना, ये हमारा होता है डिवीजर। ठीक है, ये हमारा होता है क्वेशेंट और ये हमारा होता है रिमाइंडर। ठीक है ना, ये सारी चीजें हमारी होती है। अब इसने बोला वेरीफाई करो, वेरीफाई करने का मतलब क्या है कि ये सारी वैल्यू हम यहां पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। तो वेरीफाई करते हैं, देखो यहां पे ये आपका कितना था, माइनस का एक्स क्यूब प्लस का थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव इक्वल टू, डिविजन हमारा आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस वन और इनटू में क्वोशेंट हमारा आएगा एक्स माइनस टू प्लस का रिमाइंडर हैगा हमारा थ्री। इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस का टू एक्स स्क्वायर, फिर एक्स की कराएंगे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, फिर माइनस वन की कराएंगे माइनस एक्स प्लस का टू प्लस का थ्री, ये हो गया माइनस एक्स क्यूब प्लस का थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस का फाइव। ये देखो दोनों इक्वल आ गया ना लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, एक तो हमारे डिवाइड के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक डिवीजन एल्गोरिथम का एक और अच्छा क्वेश्चन है आपका 2.3 में, तो इसके बाद वो करते हैं हम लोग। हाँ बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा और 2.3 का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसने बोला है ऑन डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल बाई द पॉलिनोमियल जी एक्स, जी एक्स से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो क्वेश्चेंट एंड रिमाइंडर इस कम्स आउट टू बी एक्स माइनस टू एंड माइनस टू एक्स प्लस फोर। हमारा जो क्वेश्चेंट है वो एक्स माइनस टू आ रहा है, जो रिमाइंडर है वो हमारा माइनस टू एक्स प्लस फोर आ रहा है, तो आपको जी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वो लगाते हैं डिवीजन एल्गोरिथम, तो बाई डिवीजन एल्गोरिथम डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वेशेंट और प्लस का रिमाइंडर। ठीक है ना, तो यहां पे आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का टू, डिवीजन में आपके पास क्या आएगा, जी एक्स से हम इसको डिवाइड कर रहे थे, क्वेश्चन हमारा बच रहा था एक्स माइनस टू और रिमाइंडर हमारा आ रहा था माइनस का टू एक्स प्लस का फोर। अब आपको यहाँ से जी एक्स फाइंड करना है, क्लियर है, जी एक्स आपको यहाँ से फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, पहले इसको इधर लेके आओ, ये माइनस का टू एक्स है और ये प्लस का फोर है, तो इधर आके प्लस का टू एक्स और माइनस फोर बन जाएगा, तो आएगा एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का टू प्लस का टू एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जी एक्स इंटू एक्स माइनस टू, यह आ गया एक्स क्यूब
माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2। अभी जो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू जी एक्स। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा तो मेरा जी एक्स मिल जाएगा। अब इसको डिवाइड करते देखो, यहाँ हमने इसको डिवाइड कर दिया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस का 3x माइनस का 2 और यहाँ पे x माइनस 2। क्लियर है? तो इसको x स्क्वायर से चलेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस का 3 माइनस का कितना आ जाएगा इससे अगर चलेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, अभी माइनस और ये प्लस, तो इससे कैंसिल आउट हो गया, इसमें से गया आपके पास गया तो आ गया माइनस का x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 2। फिर x से माइनस x स्क्वायर बनाने के लिए माइनस x से चलेंगे तो आएगा माइनस x स्क्वायर प्लस का 2x, ये हो गया प्लस और माइनस, इससे वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। 3x में से 2x गया तो x माइनस 2, अब इसको प्लस 1 से चलेंगे तो कितना आएगा x माइनस 2, ये भी आपका कैंसिल आउट होकर आ गया 0। ठीक है ना, इससे कंप्लीट डिवाइड हो गया। इसका मतलब जी एक्स हमारा कितना आ गया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन एक तो हमारा बहुत अच्छा आएगा, उसके बाद एक क्वेश्चन और आएगा वो करते हैं, आप इसे कॉपी कर लीजिए फिर लिखते हैं। तो बच्चों ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आएगा आपका 2.3 से। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हमारा एक फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल आएगा, इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर रूट फाइव बाई थ्री एंड माइनस रूट फाइव बाई थ्री। आपको दो जीरोस दे रखे हैं तो आपको इसके बचे हुए भी जीरोस निकालने हैं। अगर x की पावर 4 है तो मतलब आपको दो और रूट्स निकालने हैं, इसके टोटल 4 रूट्स होंगे। ठीक है ना, 4 जीरोस होंगे, इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, इसके वजह से बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, एक एग्जाम्पल भी आएगा इसमें, तो इसको बहुत अच्छे से करना है आपको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसमें बच्चों, सॉल्यूशन में गिवन जीरो से पॉलिनोमियल बनाते हैं। गिवन जीरोस हमारे पास क्या क्या है, एक को हम सपोज करो अल्फा लेट कर लेते हैं, अल्फा हो गया रूट फाइव बाई थ्री, और सेकेंड वन को बीटा लेट कर सकते हैं माइनस रूट फाइव बाई थ्री, किसी को भी अल्फा बीटा मान सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे इनकी, वो कैसे बनेगी, के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहाँ पे आएगा के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो मतलब अंडर रूट फाइव बाई थ्री और माइनस का अंडर रूट फाइव बाई थ्री एक्स और प्लस का प्रोडक्ट मतलब रूट फाइव बाई थ्री माइनस अंडर रूट फाइव बाई थ्री। ठीक है, अब इससे माइनस हो क्या आ गया जीरो, ये आ गया के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस का फाइव बाई थ्री, इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा के इंटू में यहाँ पे थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाई थ्री। अब डिवाइड में आपका k आ रहा है, 2, 3 आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे k इज इक्वल टू 3, तो आएगा एफ एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू में, सिंप्लीफिकेशन के लिए ऐसा हम लोग करते हैं और इससे हमारा क्वेश्चन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, यह आएगा 3x स्क्वायर माइनस 5, ये आपके पास पॉलिनोमियल आ गया। ठीक है ना, अब इन पॉलिनोमियल से हम अपने गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं उसके बाद, गिवन पॉलिनोमियल हमारा 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, यहाँ पे हमारा आ गया 3x स्क्वायर माइनस 5, ये हमारा यहाँ से आया है ना। अब इसको डिवाइड करते हैं, 3x स्क्वायर को 3x 4 बनाने के लिए x स्क्वायर से करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमारा आएगा 3x की पावर 4 माइनस का 5x स्क्वायर। अब देखो मैंने x स्क्वायर के नीचे लिखा है, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्यूब के नीचे लिख के मत माइनस कर देना, तो इससे कैंसिल आउट हो गया, यह आ गया 6x क्यूब माइनस 2 प्लस का 5 इज प्लस का 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब 3x स्क्वायर को 6x क्यूब बनाने के लिए प्लस का 2x से कराना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा 6x क्यूब, इसको कराएंगे आएगा माइनस का 10x माइनस प्लस, इनसे कैंसिल आउट हो गया, फिर आ गया 3x स्क्वायर माइनस 5, अब इसको करेंगे प्लस का 1 से क्योंकि 3x स्क्वायर ही आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 माइनस प्लस, ये आ गया 0। ठीक है ना, कंप्लीट डिवाइड हो गया, हमेशा कंप्लीट डिवाइड होगा, तो बाकी दो जीरोस हमारे किससे लिख लेंगे, इस पॉलिनोमियल को जीरो पुट करके। ठीक है ना, तो लिखेंगे अदर टू जीरोस
कैन बी ऑब्टेन बाय या गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे तो 1 इंटू में 1, 1 प्लस 1 2 होता है, तो यह आ गया एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। एक्स को मिलेंगे एक्स प्लस 1 प्लस 1 को मिलेंगे एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, या आ गया एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया, और एक और एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 1 और x की वैल्यू आ गई माइनस 1। इसका मतलब हैंस ऑल जीरोस आर, कौन कौन से जीरोस हो गए, एक तो दो हमें दे रखे थे, एक तो प्लस माइनस रूट 5/3 कोमा माइनस 1 कोमा माइनस 1, ये हमारे इसके चारों जीरोस आ गए। ठीक है ना भाई, आ रही बात समझ में? तो ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन कर देना। अब आपके जो 2.3 एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है डिवाइड के हैं या फिर इन्हीं पे बेस होंगे, ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, और एनसीईआरटी से कम आप लोग अपना सेकंड चैप्टर खत्म कर सकते हैं, तो उसको काम कंप्लीट करके एक्स्ट्रा बुक अपना आरडी वगैरह में से आप और भी क्वेश्चन करें। ठीक है ना, ओके।